नमस्कार, मैं हूं अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। तेजस्वी के बाद माझी से मिलेगी गोहिल। कांग्रेस ने तय कर लिया है महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट। सीट शेयरिंग से लेकर मुख्यमंत्री पद के चेहरे तक पर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि जल्द ही यह सुलझा लिया जाएगा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कल रात तेजस्वी यादव के साथ डिनर किया था। शक्ति सिंह गोहिल के साथ इस डिनर में कांग्रेस नेता मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, अजय कपूर और अखिलेश सिंह भी शामिल थे। दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत भी हुई और अब गोहिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ मुलाकात करने वाले हैं। पटना का पर्यटन भवन बना आइसोलेशन वार्ड। पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट स्थित पर्यटन भवन को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने यहाँ मरीजों को सुविधा देने के लिए 100 बेडों का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। ये मौत का भय है, बौखलाहट है। विकास दुबे की गिरफ्तारी के वक्त भी उसकी हैकड़ी बरकरार थी। उसने कहा था कि मैं विकास दुबे बोल रहा हूँ, कानपुर का रहने वाला। उसकी हैकड़ी पर भी डीजीपी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मौत का भय है, उसकी बौखलाहट है। ये हैकड़ी उसकी प्रसिद्धि 3-4 महीने में खत्म हो जाएगी। कोविड अस्पताल में 2 दिन तक बेड पर ही पड़ा रहा सब। पटना के NMCH अस्पताल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें अस्पताल में 2 दिन से कोरोना संक्रमित का शव पड़ा हुआ था, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। राज्य स्तरीय अधिकारियों की तरफ से जिला स्तर के अधिकारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर अब आज से राज्य स्तरीय अधिकारियों की तरफ से जिला स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पटना में कोरोना का कहर। NMCH में एक दिन में रिकॉर्ड 5 संक्रमितों की मौत। पटना में एक दिन में रिकॉर्ड 7 कोरोना संक्रमितों और संदिग्धों की मौत हो गई है। इनमें से 5 की मौत कोरोना से होने की पुष्टि कर दी गई है, जबकि 2 के सैंपल की रिपोर्ट गुरुवार को आएगी। RJD विधायक दल की बैठक जारी। राष्ट्रीय जनता दल की महत्वपूर्ण बैठक आज राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर हो रही है। इस बैठक में पार्टी के तमाम विधायक और जिलाध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी तेजस्वी यादव के साथ विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी CM सुशील मोदी के 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव निकले, मुख्य सचिवालय स्थित कार्यालय सील। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी पटना में हालत सबसे ज्यादा खराब है। आपको बता दें कि सचिवालय के गलियारे से खबर आ रही है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के 4 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट GS रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो आज का सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, धान की डलिया किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी रायपुर और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब लिख दिए होंगे कमेंट बॉक्स में अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर। भारतीय सेना के जवानों के लिए टिकटॉक, पबजी समेत 89 ऐप पर लगा बैन। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना के जवानों पर एक बड़ा कदम उठाया गया। भारतीय सेना के अधिकारियों और सैनिकों को फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 89 ऐप्स को डिलीट करने का आदेश दिया। भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर हाल ही में बैन लगाया, तो अब भारतीय सेना ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए 89 ऐप्स को बैन कर दिए। इसमें पबजी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जूम, टिंडर से लेकर ट्रू कॉलर तक शामिल हैं। बिहार में मिले कोरोना के 704 नए मामले, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 13,978। बिहार में वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद में मरीजों की संख्या सामने आ रही है। देखते ही देखते सभी जिले इसके चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 704 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 13,978 हो गई है। कोरोना के निशाने पर सूबे के पटना, भागलपुर सहित सभी स्मार्ट सिटी। कोरोना के निशाने पर सूबे के पटना समेत सभी स्मार्ट सिटी भी हैं। स्मार्ट शहरों यथा पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के सर्वाधिक एक्टिव केस सूबे के इन्हीं 4 स्मार्ट शहरों में है। ग्रोथ रेट के मामले में ये सभी शहर अन्य शहरों के मुकाबले आगे है। सिवान का रहने वाला था सातिर साइबर ठग, भागलपुर में हुई गिरफ्तारी। भागलपुर की मोजाहिदपुर पुलिस ने सिवान के साइबर ठग नीतीश कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर गोटा में छापेमारी की गई है। वहां से 2 लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए हैं।
SSP आशीष भारती ने कहा है कि साइबर ठग की निशानदेही पर गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूर्णिया में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन प्रशासन सख्त। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए DM राहुल कुमार ने पूर्णिया नगर निगम के सभी 46 वार्डों में पूर्ण लॉकडाउन का निर्णय लिया है। जुलाई महीने की शुरुआत में ही महज नगर निगम क्षेत्र से 29 मामले मिल चुके हैं, जिसे देखते हुए DM राहुल कुमार ने 7 दिनों के लिए 10 से 16 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया है। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर YouTube की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम है सत्यम शिवम, उसके बाद है मलिक मौर्य, अमलेश कुमार यादव, निशेश यादव, मोहित पंडित, मिथुन कुमार, गौरव शर्मा, संतोष सिंह, संजीव कुमार और सोनम कुमार। इनके अलावा अगर फेसबुक की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम है प्रतिभा झा, उसके बाद है निशेश कुमार, सरोज कुमार, शिवम यादव, सत्यम यादव, MK सिंघम, अक्षय रंजन, परशुराम कुमार, MD अंजार, मनीष यादव, आनंद कृष्णा और MD तनवीर फारूकी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।